नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पञ्च नमकारु सर्वभावप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषिं परमं भवहि मंगलम्। जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जग पियामहो जय सुयाण बभुवो तीर्थयराणम अपच्छिमो जय जय सुयाण बभुवो तीर्थयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणम जय महब्बा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर गुरुतमसं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञान देवी रांधाना ज्ञानं जनशलाकं नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत आशीर्वाद। सभी सादरणियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस गंधर्ववाद की 100वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने शक्ति के बारे में विशेष चर्चा की थी कि जो पंचास्थिका द्रव्य है उनमें से एकमात्र जीव अस्थिका और पुद्गल अस्थिका है, इन नौ में ही शक्ति है, बाकी तीन में शक्ति नहीं है। और शक्ति के बारे में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि जो किसी भी द्रव्य में जो गुण है तो वो गुण सक्रिय होकर कोई कार्य करता है, तो जिसके कार्य से कोई परिणाम आता है तो उसे शक्ति कहा था। अर्थात क्या कि जैसे आत्मा है तो आत्मा में जो गुण है वे अगर कार्य करेंगे तो उसके कारण से क्या कहा जाएगा कि आत्मा के अंदर शक्ति है। वैसे तो देखा जाए महाराज साहब ने बताया कि आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां हैं, लेकिन शक्ति प्रकट क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो संसारी आत्मा है वह कर्मों पर कर्म चिपके हुए, जिसके कारण से उसकी शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही है। जैसे ही कर्मों का आवरण हटता है तो अनंत शक्तियां आत्मा की प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा में शक्ति पर विशेष चर्चा की थी। अब आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से निवेदन है, चुरड़िया जी, आप सब लोग मिल करके जैन फाउंडेशन को धन्यवाद दीजिए, अभिनंदन करिए। आज 100वीं क्लास जो है जैन फाउंडेशन वाले चला रहे हैं, मुझे भी आशा नहीं थी इतनी, लेकिन एक विषय के ऊपर, सिर्फ आत्मा है कि नहीं, इस विषय पर जैन फाउंडेशन ने, जैन शाला ने आज 100वीं क्लास चलाई है। इतनी और क्लासें आज दिन तक इनके इतिहास में कभी किसी विषय पर नहीं चलाई, किसी वक्ता को विद्वान को इतनी परमिशन नहीं दी, लेकिन मुझे विशेष ऊपर से परमिशन दी है और चलाने के लिए भी कहा है, विषय भी चला रहे हैं। विशेष करके जैन फाउंडेशन नील भाई, रमेश भाई आदि सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, और आशा रखता हूँ कि यह विषय चले वहाँ तक आप इसी तरह से सहयोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बात चल रही है, हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। हम आत्मा को कैसे सिद्ध करें, किन प्रमाणों से सिद्ध करें, कैसे कैसे तर्क युक्तियों से सिद्ध करें, आत्मा की साबिती हो, आत्मा सिद्ध हो,
ऐसे कौन से अनेक प्रकार के तर्क युक्ति प्रमाण है जिनके आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं। वही चल रहा है, उसी सीरीज के अंदर एक ऐसी जो है हमने आज एक युक्ति उठाई है कि शक्ति है तो आत्मा है, आत्मा है तो शक्ति है, शक्ति नहीं है तो आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है तो शक्ति नहीं है, आत्मिक शक्ति की बात चल रही है सब। इसलिए आपके समझ के लिए मैं प्रचलित व्यवहार के अंदर शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो वीर्य शब्द ही उपयोग में लेना है। तो चार सेंटेंस में दो पॉजिटिव बोलना है, दो नेगेटिव बोलना है, और चारों चार जो है आत्मा के साथ संबंध बरोबर बना रहे हैं। बोलिए नीति बहन, अभी कौन से बोले थे मैंने? चलिए आप ही बोलिए साहब, ये बोल जी। महाराज साहब चार बात अभी अभी एक सेकंड हुई, वीर शक्ति पर आपने बताया है कि हमें सर्व मात्र वीर शक्ति पर ही विशेष ध्यान देना है, वीर शक्ति आत्मा के अंदर। चलिए नीति बहन बोलिए जल्दी। जी महाराज सर, शक्ति है तो आत्मा है, आत्मा है तो शक्ति है, शक्ति नहीं है तो आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है तो शक्ति नहीं है। विपुल जी अब रिपीट कर लो। आत्मा है तो शक्ति है, आत्मा नहीं है तो शक्ति नहीं है, शक्ति है तो आत्मा है, शक्ति नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। बात तो आ गई ना वहां पर। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन दोनों अलग अलग है। अगर आप शक्ति शब्द का प्रयोग करना है तो आप पुद्गल के लिए करिए, क्या है? जब आत्मा के लिए शक्ति का शब्द प्रयोग करो तो वीर्य बोला जाता है, पुद्गल के लिए तो वीर्य शब्द बोला ही नहीं जाता। छाया बहन बोला है खरो? नहीं। तो ये हम देखें यहां पर वीर्य शब्द हम अगर यहां पर अपने लिए उपयोग करें तो हम पुरुष वीर्य का उपयोग करते हैं। क्यों यहाँ पर पुरुष के लिए? तो शरीर के साथ शब्द जुड़ गया। ये रहस्य आनंद गंजी महाराज ने उनकी 24 के 24वें स्तवन में खोला है साहब। आत्मवीर्य, कामवीर्य, भोगवीर्य, ये सब शब्द प्रयोग करके 24वें स्तवन के अंदर उन्होंने रहस्य खोला है। तो क्या आत्मवीर्य भी होता है, कामवीर्य भी होता है, भोगवीर्य भी होता है? बरोबर होता है, पर बरोबर होता है इसलिए आनंदगंज जी ने ये शब्द प्रयोग जरूर किए हैं सब। अब पहली बात तो यहाँ पर आ गई, आत्मा के जो जो गुण है, जितने भी गुण हैं, जैसे भी गुण हैं, गुण आवरणीय कर्मों से जरूर अवश्य ढकते हैं, आच्छादित होते हैं। गुण है तो कर्म निश्चित है, कर्म है तो गुण निश्चित है, गुण नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो गुण नहीं है, संसारी पर्याय में। बोलिए नाटा जी, चार बात बोलनी है। आत्मा में जो जो गुण है, जितने भी गुण है वो कर्मों से आच्छादित है। आत्मा है तो कर्म है, कर्म है तो आत्मा है, आत्मा नहीं है
तो कर्म नहीं है और कर्म नहीं है तो आत्मा नहीं है, गुण की बात चल रही थी यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर संसारी पर्याय में आत्मा और कर्म का ऐसा तालमेल, इतना तालमेल का संबंध जो बना हुआ है, ऐसा कैसा एकदम एक रस बन गए। आत्मा है तो ही कर्म है, आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है, आत्मा नहीं है तो आप कर्म किसको कहेंगे। सोचिए, समझते जाइए, बात बरोबर बैठाती जाए। संसार में अगर आत्मा ही ना हो तो कर्म आएगा कहां से, कर्म बनेगा कैसे। इसलिए आत्मा है, और आत्मा है इसलिए भी आत्मा के गुण है, तो गुणों पर जो आवरण है उसी का नाम कर्म है। तो आपको पहले कर्म सिद्ध करना है कि आत्मा सिद्ध करना है। मैं आपको ये पूछता हूं विपुल जी, रोग बीमारियां आत्मा है तो बीमारियां है कि बीमारियां है तो आत्मा है? क्या बिना आत्मा के कोई बीमारियां है दुनिया में? नहीं है। अब थोड़ा सोचते जाइए, विचार करिए ना, आत्मा ही ना हो संसार में तो एक भी रोग बीमारी, एक भी रोग बीमारी किसी का भी अस्तित्व बना रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, सवाल ही नहीं खड़ा होता। लेकिन चेतन आत्मा अनंत है, देहधारी है, शरीर है सबके पास, और सभी आत्माओं का अपना आवरणीय कर्म है। उन कर्मों में एक कर्म वेदनीय कर्म है, अशाता वेदनीय। उस हिसाब से इतनी बीमारियां होंगी, कितना प्रमाण बढ़ गया। चलो, जो देवलोक में गए होंगे जाके आए नरेंद्र जी, वहां कितनी बीमारियां हैं, देवलोक में कितने रोग हैं, वहां कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी या हॉस्पिटल चल रही है, कितने देवी देवता हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने देवी देवताओं की ट्रीटमेंट चल रही है, सर क्या हो रहा है वहां पर। भाई उनकी दुनिया है वैक्रिय दुनिया, वैक्रिय समाज के लोग हैं सब, वहां वे लोग अपने हिसाब से जीते, रोग बीमारियां बरोबर है वहां पर, हम ना नहीं कह सकते। अभी आज महाविद्यालय में रोग बीमारियां है कि नहीं है, बरोबर है, अब ना कैसे कहेंगे। हाँ ये जरूर है कि देवलोक के अंदर वैक्रिय शरीर है, तो वहां हमारी तरह से हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। यहां पर हमारे लिए जो है समस्या क्या है साहब, ये देखना है। तो यहां जो है ये है आत्मवीर्य। अब ये पुद्गल की एनर्जी, हम शरीर को भी आत्मा को भी क्या मात्रिक एनर्जी कह दें? Nowadays the science is saying that science is coming nearer to the philosophy. The science says that yes, there is some spirit, there is some spirit, there is some energy, there is some energy. What is that? अब आत्मा तो शब्द नहीं बोलेंगे, तो स्पिरिट शब्द बोलना, एनर्जी बोलना। नरेंद्र भाई, क्या आत्मा और एनर्जी दोनों पर्यायवाची शब्द है? आर दे वन एंड द सेम? नहीं जी महाराज जी, दोनों अलग है। आत्मा के गुण, आत्मा का गुण है वीर्य। अरे आत्मा और एनर्जी, आत्मा और स्पिरिट, तो क्या आप आत्मा बोलेंगे कि आप स्पिरिट शक्ति एनर्जी बोल देंगे, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा?
एक द्रव्य है, एक उसका गुण है और एक गुण की क्रियान्विता है। द विच गुण इज पर्टिकुलर एक्टिव, आप समझिए। मात्र आप जो है क्रियान्वयन स्वरूप जो है वो अगर आप बोलेंगे और द्रव्य स्वरूप नहीं बोलेंगे बात नहीं बैठेगी। आप शक्ति 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 बोलने से नहीं चलेगा, ऊर्जा 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 बोलने से नहीं चलेगा। द्रव्यवाची द्रव्य शब्द का प्रयोग करिए, गुण की जगह पर गुणवाची शब्द का प्रयोग करिए और गुण सक्रिय होकर क्रियान्वित हो जाए तब उसको बोलिए। आप केवली के पास शब्दों का प्रयोग बहुत विवेक से हो। आत्मा स्वयं द्रव्य है, आत्मा का वीर्य गुण है और आत्मा का वीर्य गुण जब सक्रिय होता है तब आप उसको ऊर्जा बोलिए, शक्ति बोलिए, एनर्जी एनर्जी बोलिए, ऐसी लाइन बोलिए। बरोबर बोलिए साहब चित छोड़िए जी। तीन बात है, तीन सेंटेंस आपने बताया कि आत्मा की आत्मा का गुण है प्रिय, प्रिय आत्मा। माता जी बोलिए जल्दी, तीन सेंटेंस जल्दी करें। नहीं इन्होंने ना कह दिया सब। जैन साहब बोलना आएगा आपको? चलिए राहुल जी बोलिए जल्दी। अरे सर आत्मा एक द्रव्य है, आत्मा का गुण वीर्य है, ऊर्जा शक्ति एनर्जी का क्रियान्वयन होना, ये तीसरी बात है। तीसरे में आपने उल्टा बोल दिया, तीसरा आपने बिगाड़ा क्यों? बोलिए नीति बहन जल्दी करिए, देखिए तीन वाक्य सही आने चाहिए। आत्मा स्वयं द्रव्य है, उस वीर्य उसका गुण है और जब यह गुण सक्रिय होता है तब उसे हम एनर्जी या शक्ति बोलते हैं। वीर्य गुण ही क्रियान्वित होगा तब आप एनर्जी ऊर्जा बोलिए सब। आपने राहुल जी क्या बोल दिया? एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी तब ऊर्जा बोलेंगे। मतलब क्या हो गया? कौन होगा सक्रिय? कौन होगा? जो वीर्य गुण है वो गुण के माध्यम से द्रव्य ही क्रियान्वित होता है। द्रव्य के माध्यम से गुण क्रियान्वित नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए। उल्टा सुल्टा मत बोल लेना। गुण है किस लिए? फिर गुण किस लिए है? वीर्य गुण है। अरे भाई ये कपड़ा है, कपड़े की सफेदी है, कपड़ा द्रव्य है, सफेद पना उसका गुण है। अब ये सफेदी के कारण आप पहचानेंगे, आप सफेदी के कारण व्यवहार करेंगे। अब आप बोलेंगे श्वेतांबर बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे, अरे हाँ हाँ देखो उनको, तो ये सब कब होगा? कौन क्रियान्वित हुआ है? एक्टिव कौन हुआ है? गुण एक्टिव हुआ है कि द्रव्य एक्टिव हुआ है? नरेंद्र जी ध्यान है आपका, बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। माता जी बोलिए, गुण एक्टिव हुआ है या द्रव्य? साहिब जी द्रव्य एक्टिव हुआ। द्रव्य एक्टिव किसके कारण हुआ है? गुण के कारण। के कारण कौन सक्रिय हुआ है? आत्मा सक्रिय हुई है। तो ये कर्ता भाव आया, गुण के एक्टिव होने से आत्मा में कर्ता भाव प्रकट हुआ, कर्ता भाव व्यवहार में आया। छाए में शब्द बोलिए बरोबर, भाव से बोलो। गुण एक्टिव था, आत्मा क्रियावंत था। गुण जो है, गुण एक्टिव हुआ है आत्मा का,
गुण एक्टिव होता है नहीं होता है, होना ही चाहिए नहीं होता है, वो उसके कर्म पर आवरण है, कर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कर्म का भार ज्यादा है, गुण एक्टिव नहीं हो रहा है, तो आत्मा द्रव्य स्वरूप से एक्टिव होकर क्रिया नहीं करेगी। अब आत्मा के अंदर कर्ता भाव जो है, वो कर्ता भाव किसके कारण है? आत्मा का वीर्य गुण क्रियान्वित होने से आत्मा का कर्ता भाव प्रकट। अब भोक्ता भाव कहां से आया? आत्मा के अपने गुणों में। तो जो शक्ति जिस समय जिस रूप में क्रियान्वित होगी, तब जाकर के उसके अंदर वो गुण क्रियान्वित हो जाएगा। वही आत्मा जो है, वही आत्मा समय आने पर, अवसर आने पर जो है इस प्रकार की क्रिया कर दी जाएगी। तो वो कौन सा प्रकट होगा? अब ये गुण जो है, इधर आप एक 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 गुण को बरोबर समझते जाए तो क्या हुआ? यहाँ पर ये कर्ता भाव कहां से आया? कर्ता भाव आया, इसके सामने भोक्ता भाव आया। इधर ज्ञाता भाव, तो क्या हुआ? एक आत्मा का वीर्य गुण, अब जब जिस दिशा में जाकर के जैसा प्रकट हुआ है, इधर देखिए आप, अब आत्मा का जो वीर्य गुण है वही जब क्रियान्वित हुआ है, सक्रिय हुआ है, तब आत्मा का कर्ता भाव प्रकट हुआ, भोक्ता भाव प्रकट हुआ, ज्ञाता भाव प्रकट हुआ, दृष्टा भाव प्रकट हुआ। यह है आत्मा की वीर्य शक्ति। अब ये वीर्य शक्ति जो है, आप इनको मिलाइए, इधर से जब आप बोलेंगे कि हाँ जी ये दृष्टा भाव, इधर से ये ज्ञाता भाव, अब इसको आप बोलेंगे चेतना शक्ति। ज्ञान गुण भी मिला है, दर्शन गुण भी मिला है, अब दोनों सक्रिय हुए हैं। अब आप उसको ज्ञाता दृष्टा होने से चेतना शक्ति मान कहेंगे। अब चेतना शक्ति वाला बोलिए, चैतन्य शक्तिवान बोलिए। अब ये जो है पुद्गल द्रव्य में नहीं है। अब ये पुद्गल द्रव्य में नहीं होने के कारण ये अपनी शक्ति कौन सी प्रकट करेगा? उद्गल द्रव्य अपनी शक्ति कौन सी प्रकट करेगा? वो कैसी शक्ति प्रकट करेगा, उसके गुण देख लेंगे। तो उसके उद्गल के गुणों के अंदर जो शक्ति है वो उस रूप में सक्रिय होगी। लेकिन उद्गल का आत्मा के साथ सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? ज्ञान दर्शन का न होना। इतनी सी बात है। अब इधर ये जो आत्मा का गुण प्रकट हो रहा है, अब ये गुण किस समय किस रूप में? जब आत्मा की जो आवश्यकता रहेगी। ध्यान रखिए, शरीर पुद्गल का बना हुआ पिंड है,
शरीर पुद्गल का है तो शरीर के अंदर तो अपनी तरह से पौद्गलिक शक्ति रहेगी, शरीर में ज्ञाता भाव नहीं है, शरीर में दृष्टा भाव नहीं है, शरीर में कर्ता भाव नहीं है, शरीर में भोक्ता भाव नहीं है। बोलो छाया में, बोलो शरीर में कर्ता भाव नहीं, शरीर में दृष्टा भाव नहीं, शरीर में भोक्ता भाव नहीं, કારણ કે પૂતગલ છે। બસ બસ શરીર પૂતગલ કા બના હુઆ પિંડ હૈ, મન મેં ભી નહીં હૈ, વચન મેં ભી નહીં હૈ, ઇન્દ્રિયો મેં નહીં હૈ, શરીર મેં નહીં હૈ। બરોબર બોલીએ સાહેબ, ચાર બાત મેં ચારો મેં ક્યો નહીં હૈ? બિના ભિન્શા કેન યુ સ્પીક? साहिब, मन में नहीं है, वचन में नहीं है, इंद्रिय में नहीं है और शरीर में नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल से बना हुआ है। बस बस, वेरी गुड वेरी गुड। ये पुद्गल के बने हुए, एक आत्मा की अपनी अनंत शक्ति पुद्गल में प्रवाहित नहीं होगी और पुद्गल की कोई शक्ति आत्मा में प्रवाहित नहीं होगी। जैन साहब समझ के बोलना, सब आत्मा की शक्ति कोई पुद्गल में प्रवाहित नहीं होगी, पुद्गल की शक्ति तो आत्मा में प्रवाहित होगी ही नहीं, नहीं शक्ति नहीं है, दोनों नहीं, पुद्गल में शक्ति नहीं है, आत्मा की शक्ति पुद्गल में प्रवाहित नहीं होगी, पुद्गल की शक्ति आत्मा में नहीं आएगी, आत्मा की शक्ति पुद्गल में नहीं जाएगी। सबसे बड़ा नियम ये है, अभी हमारा शरीर क्या है, अभी हमारी आत्मा इसी शरीर में रहती है, तो शरीर में रहती है तो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश शरीर के साथ फैले हुए, इसलिए आपको भ्रम हो जाएगा आत्मा की शक्ति शरीर में आ गई। जी नहीं, आत्मा की शक्ति आत्मा में ही है और आत्मा ने अपना पूरा आत्मा प्रदेश पूरे शरीर में फैला दिए है, तो पूरा शरीर फैला हुआ है। हाँ, जितना आपका शरीर फैला है उतना ही आत्मा के प्रदेश फैले हुए। बालक माता के गर्भ में है तो इतना छोटा सा है, तो अभी आत्मा के प्रदेश इतने संकुचित है, तो इतने छोटे से शरीर के अंदर आत्मा प्रदेश फैले हुए हैं, कहाँ जाएंगे? आत्मा के प्रदेश शरीर को छोड़ करके शरीर से बाहर एक भी आत्मा का प्रदेश नहीं जाता है। बोलिए कुंजल बहन, तुम्हें थोड़ी बार मत विंडो ओपन करो छो, बंद करो छो, ध्यान नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे तो एक एक सेंटेंस काम का, एक एक सेंटेंस में आपने मिस्टेक कर दी तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। बोलना है जल्दी बोलिए। नहीं, नहीं। चलो जाने दो, जाने दो। हाँ जी मीना बहन, कैन यू स्पीक? वेरी गुड, चलो बोलो अंसा बहन जल्दी। आत्मा रहती शरीर में है, आत्मा को प्रदेश शरीर में, शरीर में फैले हुए हैं और वो शरीर के बाहर नहीं जाते हैं। हाँ, आत्मा के प्रदेश जितने फैले हुए शरीर में हैं, तो शरीर की बाउंड्री छोड़कर आत्मा का एक भी प्रदेश बाहर नहीं जाएगा। जब आत्मा का प्रदेश बाहर नहीं जाएगा तो आत्मा की शक्ति भी नहीं जाएगी बाहर। बात इतनी सी है, आत्मा की जो शक्ति है वो आत्मा प्रदेश तक ही सीमित है।
आत्मा प्रदेश को छोड़ करके शक्ति बाहर पुद्गल में चली जाए, नहीं साहब ऐसा नहीं होता। पुद्गल की शक्ति आत्मा में नहीं आती। ये सारे कौन से हैं? पदार्थ विज्ञान में आपने जो बेसिक नियम सीखे हैं वो है। ये जो मूलभूत नियम है कि आत्मा संसार के अंदर जब वो शरीर के अंदर फैल करके रही हुई, आत्मा ने अपने प्रदेश फैला दिए। अब जिसके पास जितना बड़ा शरीर है उतने बड़े शरीर में फैल के रहेगी। अभी इस समय हम 5-6 फुट में हैं, महाविद्य में इस समय 500-600 फीट में है, तो वहां के हिसाब से उनको 500 धनुष की काया है तो 500 धनुष में शरीर है, तो आत्मा के प्रदेश 500 धनुष में रहे। अब आत्मा जितना कार्य करेगी वहां पर इतने लंबे क्षेत्र में कार्य, आत्मा के प्रदेश वहां पर एक हाथ से पैर से जो जितने तरीके से करेंगे करेंगे। अब उसमें तो कोई आत्मा का काम नहीं, कर्म स्थिति है। अब कर्म के हिसाब से शरीर छोटा है बड़ा है बनाएगा। अब छठा आ रहा आएगा तब हमारे यहां पर हमारा शरीर 2 फीट का रह जाएगा, तब क्या करेंगे? आत्मा के प्रदेश 2 फीट में ही फैले हुए रहेंगे, बात इतनी सी है। अभी इस समय आप देवलोक में चले जाइए तो देवलोक के देवी देवता वहां बैठे हुए वैक्रिय शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान रखिए, आत्मा शक्ति अलग है, वैक्रिय शक्ति अलग है। वैक्रिय शक्ति वैक्रिय लब्धि के अनुसार है और उससे उनको कार्य करना है तो वहां बैठे यहाँ का कार्य कर सकते। विक्रिया है ना, वो बदलना है। ध्यान रखिए, आत्मा शक्ति अलग है, वैक्रिय शक्ति अलग है, दोनों एक मत कर लेना। हमारा शरीर औदारिक शरीर है तो हमारे मसल्स पावर जो है वो औदारिक मसल्स पावर है। आपके अंदर शारीरिक शक्ति में आया, अब ये कर्ता भाव आपने प्रकट किया तो कर्ता भाव होने से आप अपने फिजिकल जो भी कार्य करेंगे, जो कार्य आपको करना है, 100 किलो का वजन यहाँ से उठा के वहां रखना है, तो बराबर आप जो है 100 किलो का वजन उठाए यहाँ से वहां ले जाइए, आपकी पकड़ में रहेगा 100 किलो वजन। आप यहाँ से लेकर के वहां तक जाकर के रखिए, ये आपके पकड़ है, कर्ता भाव है ना। अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने कर्ता भाव देखा है अब इधर आप भोक्ता भाव देखें। अब ये जो भोक्ता भाव, अब ये आत्मा का मुख्य गुण हो गया साहब। अब आप क्या करेंगे? ये गुण जो प्रकट होगा, अब ये गुण किस रूप में कैसे प्रकट होगा? फल के साथ है आपका सम, दान भी देना है, लाभ भी करना है, भोग भी करना है, ही भोक्ता भाव, भुगतना भोगना। अब भुगतना अच्छा भी है खराब भी है, सुख भी आपको ही भुगतना है, दुख भी आपको ही भुगतना है। ध्यान रखिए, सुख दुख को अलग मत करना, वो आवरणीय कर्म से है। तो ये जो भोगना है तो इसके साथ जुड़ा है आपने,
अब इसी के साथ में आप ये दीजिए कि आपको सुख भुगतना है, दुख भुगतना है, अब सुख भी भोगेंगे तो उसका भी वेदन होगा, जानकारी होगी, दुख भी भोगेंगे जानकारी होगी आपको, आपके ज्ञान में जानकारी में तो आएगा, उसके बिना तो नहीं होगा सब। अब इसमें क्या करेंगे आप, अब ये दोनों को आप मिला लिया, ये हो गया वेदनिया, ये वेदना पीड़ा हो जाएगी, वेदनीय हो जाएगा, वेदन संवेदन हो जाएगा, गुण तो गुण के रूप में है। अब गुण जब आवरणीय कर्म से ग्रस्त है, इधर देखिए, तब ये कर्म की शक्ति आत्मशक्ति है, कर्माधीन कर्म की लिमिट में, तो फिर उसके साथ कर्म भी साथ में ही जुड़ेगा। बिना कर्म की शुद्ध आत्मशक्ति सिर्फ और सिर्फ मोक्ष में ही प्रचलित होती है, संसार के व्यवहार में इधर आत्मा की शक्ति कर्म के आवरण में रह करके संसार के व्यवहार में प्रचलित होगी। बोलिए बाठिया जी, बोलना आएगा? चलिए साहब, कुंजल बहन बोलना है? नहीं, नाटा जी बोलिए। नहीं, चलिए साहब बोलिए। आशा बहन बोलेंगे? शक्ति कर्म के साथ जुड़कर संसार के जीव को, तो ये आप पहले क्या देखना है, अब यही आत्मा है, और ये आत्मा जिस समय आवरणीय कर्म रहित इधर सिद्ध आत्मा है, शक्ति कहां जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। आत्मा की शक्ति जो है वो कभी आत्मा को छोड़कर चली जाएगी? क्या आत्मा बिना शक्ति की हो जाएगी? कभी कभी नहीं होगी। एक भी गुण आत्मा का आत्मा को छोड़कर हमेशा के लिए नष्ट होता ही नहीं, गुण सभी रहेंगे, एक भी गुण नष्ट होने की बात नहीं है। आवरणीय अवस्था में कर्म के कारण दबे हुए रहेंगे, और जब आत्मा मुक्त हो जाएगी, मोक्ष में चली जाएगी, तो वही गुण निरावरण कक्षा में प्रकट होगा। तो इस समय ये जो वीर यहाँ है, अब वो वहां जाकर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम कहेंगे अनंत वीर। अब सिद्ध आत्मा में अनंत वीर गुण रहेगा, और यहां इस समय हमारी संसारी पर्याय के अंदर ये आत्मा गुण जो है अब आवरणीय कर्म से ग्रस्त है। इतना आवरणीय कर्म से ग्रस्त रहेगा संसारी पर्याय में जो वीर्य गुण है, और मोक्ष में जो वीर्य गुण है एक ही है, गुण में फर्क नहीं है, गुण एक ही है। यहां संसारी पर्याय के अंदर यही गुण आवरणीय कर्म से दबा हुआ ढका हुआ, सिद्ध बनते ही जैसे जैसे ज्ञान केवल ज्ञान हो गया, दर्शन केवल दर्शन हो गया, चारित्र अनंत वितरागता होगी,
तो ये क्या है? वीर्य गुण, वीर्यांतराय कर्म, अंतराय कर्म और अनंत वीर्य, ये नाम जो पड़ गया यहाँ पर। अब इसका नाम जो है ये अंतराय कर्म, जैसे ज्ञान गुण पर आवरणीय कर्म आया ज्ञान आवरणीय, दर्शन गुण पर आवरणीय कर्म आया दर्शन आवरणीय, आत्मा के वीर्य गुण पर जो आवरण कर आया वो अंतराय कर्म। अब ये सब अंतराय कर्मों से ग्रस्त हो जाएंगे, सब अंतराय कर्मों से, क्यों? शक्ति तो अंदर है, शक्ति तो आत्मा की अनंत वीर्य की, लेकिन अब जितने प्रमाण में आवरणीय कर्म है उसके हिसाब से बोलिए ना आप। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, ज्ञानांतराय, दर्शनांतराय, कर्ता पद में अंतराय, भोग में भोगांतराय, लाभ में लाभांतराय, ज्ञान में ज्ञानांतराय। आत्मा का प्रत्येक कार्य आत्मगुण से वीर्य शक्ति से ही संपन्न होता है। आत्मा का कोई भी कार्य आत्मा के वीर्य गुण से ही संपन्न होता है, नहीं तो नहीं होता है। महेंद्र भाई बोलो, अब कोशिश करिए बोलने की। आत्मा नो कोई पण कार्य वीर्य शक्ति थी थाय छे, वीर्यांतराय गुण थी थाय छे, वीर्य गुण थी थाय छे, वीर्य गुण थी थाय छे आत्मा नो कोई पण कार्य। હવે જેટલું વીર્યાંતરાય કર્મ, અંતરાય કર્મ જેટલા પ્રમાણમાં હશે એટલા પ્રમાણમાં કામ કાર્યક્ષેત્ર થશે। આવરણીય કર્મ જ્યાદા હોગા તો ફિર કાર્ય કે અંદર વિઘ્ન આયેગી, કાર્ય હોને મેં વિઘ્ન આના મતલબ ક્યા? અરે આપ એક રોટી બના રહે હો ઓર રોટી બનાતે સમય આપને ઉસકો જો 30 સેકન્ડ દેની થી आपने 10 सेकंड में उठा ली तो रोटी कच्ची रहे। बनाने की प्रक्रिया में उसको पूरा समय देना था, आपको 30 सेकंड लगती है, वहां 10 सेकंड दिया आपकी रोटी कच्ची रह गई। तो वो जो हीट है नीचे जो उसका टेम्परेचर है, इतनी हीट लगती बरोबर रोटी आपकी बरोबर सिकती थी। हीट तो है, गर्मी तो है, आपने समय कम दिया। गैस है, गैस में अग्नि है, अग्नि प्रज्वलित है, लेकिन आपने रखते ही 10 सेकंड में उठा ले, इसलिए अधूरी कच्ची रह गई। आत्मा की शक्ति है ना, तो शक्ति उस कार्य को कर रही है तो उसको इतनी शक्ति लगनी चाहिए, और इतनी शक्ति लगेगी तो कार्य पूरा होगा, नहीं तो कैसे होगा? आपने अधूरे में कार्य छोड़ दिया, बात इतनी सी है। तो हर जगह जो शक्ति लग रही है वो शक्ति आत्मा का वीर्य गुण है। हाँ ये है कि अब वीर्य गुण शक्ति पर ही आवरणीय कर्म आ गया अंतराय कर्म। अब ये अंतराय कर्म आपका जो है डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो मन पर आने वाली जो विल पावर था, मनोबल विल पावर, उस पर आवरणीय कर्म आ जाएगा। तो कई लोगों का विल पावर होता है, कई लोगों का नहीं होता है, कम होता है। क्यों ऐसा होता है कम ज्यादा? तो कम ज्यादा होने का मुख्य कारण ही है, उस जीव का जो वीर्यांतराय कर्म है वो मन पर उतने प्रमाण में नहीं जा रहा है।
कई लोगों के मन कमजोर है, मन से अशक्त है, लेकिन फिजिकली दे आर मोर स्ट्रॉन्ग। शारीरिक दृष्टि से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई करना क्या है शारीरिक दृष्टि से? रोज लड़ना झगड़ना है क्या? तो मनोबल भी तो चाहिए। जब डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए आत्मा का वीर्य गुण ज्ञान के साथ जुड़ेगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा कार्य, आप अधूरे में रह जाओगे। ये हमेशा सबके साथ है। जिस समय आत्मा अपना कौन सा गुण या कौन किस गुण में आत्मा अपनी शक्ति का उपयोग संचार करना चाहती है, ये हम फिर वापस कल देखेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि तो गुण भी है आवरणीय कर्म से आच्छादित भी, इसीलिए उसका नाम अंतराय कर्म है। बात इतनी सी है। अब वो गुण आपका जिस दिशा में जा रहा है, आवरणीय अंतराय कर्म भी उसी दिशा का है, तो बरोबर कर्म चलेगा, साथ में चलेगा। आत्मा इस जगह यहां पर जाके जो कार्य करेगा वो उसका गुण साथ में चल करेगा, गुण के हिसाब से कार्य होगा, बिना शक्ति के कार्य नहीं होगा। दोनों तरफ है, थोड़ा समय लगेगा, दो क्लास और चलेगी, लेकिन ये तो आपको स्पष्ट समझना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। खाली ऐसे नाम लेने से अंतराय कर्म नाम ले लिया तो काम नहीं होगा सब पूरा। हाँ जी, है कोई क्वेश्चन? बोलिए। सूर्य जी बोलिए। मारासा, सिद्ध आत्मा को, सिद्ध आत्मा के भोक्ता भाव में दान और लाभ क्या होता है उनको, सिद्ध आत्मा के भोक्ता भाव में? आपने पहले भी पूछा है, आपको ध्यान क्यों नहीं रहता है? अच्छा, भूल गया माल। नहीं तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, उनमें अपने ही गुणों का दान। नहीं, दान क्या करेंगे? दान महाविदेह में से, महाविदेह में से महावीर सिमंदर स्वामी करुणा कर रहे, उनकी करुणा बरस रही है आपके ऊपर। हाँ। उनके आशीर्वाद आप तक आ रहे हैं? आ रहे हैं हमारे, आ रहे हैं। कहां से वो, कैसे आ रहे हैं? हाँ हाँ, सही बात। हाँ सही बात। हाँ बोलिए निधि बहन। हमारे सर, जब आपने बताया कि आत्मा का एक भी प्रदेश शरीर से बाहर नहीं जाता, तो हमारे सर जैसे आजकल मतलब कुछ लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी होता है, फिर वो कैसे, मतलब वो दे फील दे आर आउट ऑफ देयर बॉडी एंड देन दे कम बैक टू देयर बॉडी, जिसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं ना हमारे से? बाहरी शक्ति का अलग प्रयोग है। आत्मा को जो फील होता है तो वो अपनी तरह से आत्म प्रदेशों को फैलाकर करे, या बॉडी के साथ में अंदर रह कर के करना है। आत्मा अपनी शक्ति बॉडी के बाहर बाहर कहाँ भेजेगी? उस दायरे में, सीमित दायरे में रह कर के ही करना है हमको कार्य। लेकिन हमारे साथ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस रियल है? पुद्गल की बात अलग है, पुद्गल को लेकर कर रहे हैं ना आप। आपने पुद्गल को लेकर के हाथ में पकड़ के गर्म कर लिया, अब गर्म करने से इतना रॉड गर्म हो गया तो यहाँ से वहां तक एनर्जी गई, तो ये रॉड में एनर्जी अभी आपकी पकड़ी हुई है। आप सिक्स सेंस डेवलप करोगे तब आपको लगेगा। सिक्स सेंस के अंदर आपकी एनर्जी जो है पांचों इंद्रियों से प्रकट हो जाए। अब यहाँ बैठे जो है आंख से देख करके चश्मे को बैन कर सकते हो, चम्मच को बैन कर सकते हो, तो आपके विजन के साथ चलेगी। अब आत्मा अपनी शक्ति पुद्गल के साथ यूज करेगा तब क्या होगा? क्योंकि अभी समय हम पुद्गल में रह रहे हैं, पुद्गल के अंदर हम रह रहे हैं, तो पुद्गल की शक्ति के साथ चलेंगे। थोड़ा और क्लियर करूंगा कल। थैंक यू। आज नवीन भाई बोलिए।
महाराज जी, आत्मा में बहुत गुण है, तो जो गुण एक्टिव होते हैं, क्रियान्वित होते हैं, उसके लिए कौन जवाबदार है और कौन करता है? एक्टिवेट करने का कौन करता है? हाँ? आत्मा के गुण बहुत है, उसको एक्टिवेट कौन करता है? आत्मा खुद ही करती है। तो आत्मा अभी दो आत्मा, पहले आत्मा बोला और ये आत्मा बोला, दोनों में फर्क कैसे समझना? अब कर्म का आवरण है ना। अच्छा। हाँ, कर्म के आवरण से अब कौन कितने प्रमाण में करेगा, कौन कितने प्रमाण में करना, तो आत्मा को ही। आत्मा के जो गुण है, आत्मा स्वद्रव्य से अपने गुणों को सक्रिय कर रही। अब एनर्जी जिस दिशा में भेज दी आपने, इस दिशा में भेजी, इस दिशा में भेजी, इस दिशा में, इधर ज्ञान गुण था तो ज्ञाता भाव प्रकट हो, इधर दर्शन गुण था दृष्टा भाव प्रकट हो, इधर गई तो कर्ता गुण था कर्ता भाव प्रकट, इधर आई नीचे तो उसने भोक्ता भाव प्रकट कर ली। मतलब आपने बोला, आपने बोला जो मैं समझता हूँ, वैसे आत्मा खुद भी अपने गुणों को कार्यान्वित कर सकती है और कर्म भी कर सकते हैं, दोनों दोनों तरह से कैसे होता है? कर्म तो आत्मा के साथ ही तो है। अच्छा, और दूसरा एक प्रश्न ये था कि आपने अभी अभी हमारा शरीर है वो औदारिक वर्गणा का बना है, उसकी अपनी शक्ति है, और इधर पुद्गल है, शरीर पुद्गल है, तो औदारिक और पुद्गल दोनों एक ही बात हो गई, दोनों अलग है? हाँ, औदारिक वर्गना का बना हुआ पुद्गल पिंड है। पुद्गल पिंड। हाँ, औदारिक वर्गना का बना हुआ शरीर है ना, तो शरीर औदारिक अच्छा। वर्गना का ही अलग मत करिए। हाँ, तो पुद्गल और औदारिक वर्गना एक ही बात है। अरे हाँ, नरेंद्र जी बोलिए। आपने बताया था आत्मशक्ति और वैखरी शक्ति दोनों अलग अलग है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? क्या प्रश्न स्पष्ट करो पहले। आत्मशक्ति और वैखरी शक्ति दोनों अलग अलग है। तो ये पौद्गलिक शक्ति है ना, पुद्गल की। जब आप आत्मा की शक्ति का उपयोग करोगे तब आत्मशक्ति, आत्मवीर्य। अब हम दोनों को इकट्ठे करेंगे, हम इस समय शरीर में रह रहे हैं, हम दोनों को कर्म दोनों की ये शक्ति यूज करेंगे। दोनों का अभी हम एक को सिद्ध करें, पहले आत्मा को शक्ति के आधार पर, वीर्य गुण के आधार पर सिद्ध करें। अब ये आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी द्रव्य में नहीं है, इसलिए कर्ता भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, भोक्ता भाव, ऐसी आत्मा, ऐसी शक्ति जिसमें है वही आत्मा है, ये सिद्ध करना। हाँ जी कुंजल में जल्दी बोलिए। ऐसे चलिए साहब, मतलब साहब जी अनम्यूट नहीं हो रहा है, आपने क्वेश्चन पूछा ना दोनों बार, तो ये पूछना था कि आत्मा शक्ति बाहर नहीं जाती है, तो जो हम इंद्रिय से काम कर रहे हैं तो वो आत्मा शक्ति उसको हथियार बनाती है, इंस्ट्रूमेंट है वो। हाँ, तो शरीर इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रिया भी इंस्ट्रूमेंट है, शरीर भी इंस्ट्रूमेंट है। आत्मा की शक्ति जब उसमें जाएगी तो उस दिशा में शक्ति एक्टिवेट कर लेगी। चलिए चलिए, साहेब जी जैसे अभी नीति बहन ने बोला कि शरीर से बाहर आत्मा जाती है, जब आहारक शरीर बना के वो जाती है तभी भी वो शरीर आत्मा शरीर के साथ जुड़ा रहता है, उसके आत्म प्रदेश शरीर के साथ जुड़े रहते हैं। हाँ, तो शरीर में ही रहती है, आहारक शरीर बनाया है तब भी आत्मा ने अपना औदारिक शरीर जोड़ के रखा है, नहीं तो ये शरीर सर्वथा बंद हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी। आहारक शरीर तो आपको दो घड़ी के लिए, बाद में क्या करेंगे? ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो आत्मा रहेगी कैसे? आत्म प्रदेश उससे भी जुड़े ही रहते हैं, दोनों शरीरों से जुड़े रहते हैं। जल्दी करिए राहुल भाई बोल रहे हैं। राहुल जी जल्दी करिए,
चलिए नहीं हो रहा है। उमेश जी बोल साहब जी, ये पुद्गल शक्ति एक बार थोड़ा सा बताएंगे। हाँ कल आएगा, कल आगे। ठीक है। हाँ जी उमेश जी जल्दी। महाराज जी मैंने सुना था ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से कर्म बंधन नहीं होते, कर्ता भोक्ता भाव में रहने से कर्म बंधन होते हैं, वो महाराज जी कैसे थोड़ा बता दें। बहुत अच्छा ना, आत्मा सतत अपने ज्ञान दर्शन के उपयोग में ज्ञाता दृष्टा भाव से रहे तो जरूर कर्म बंधन से बचेगी। सही बात है। समझा दें। हाँ जी बरोबर बचेंगे। आप रहिए ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है। एग्जांपल से समझा देंगे। Yeah, when you say that Atma Shakti cannot be in the Pudgal, then if the Atma Shakti is in the body, isn't body the Pudgal? Yes, it is now, but what happened now? The soul is in the body, so we are both are correlated now. Now our body is not the dead body, it is living body now because of the soul is living inside the body. But when we will die, you see, the soul will go away after doing, then we will say that this is the dead body. Then the dead body will not do anything. Now you can do everything. And the Vidhaven Sajjaliga. Maharaja, when Samudghat happens, doesn't the Atma Pradesh go out of the body? Samudghat Atma Pradeshon ka Vistar hai. Just the expansion of the spirit, Atma Pradesh, bas aur kuch nahi. Namo Oriyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayriyam, Namo Vajjhayanam, Namo Nuri, Sabva Sargunam. Esa Pancha Namo Karu, Sabva Bhava Panasano, Mangalanta Sabva Simpadamam, Havai Mangalam. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautam Prabhu, मंगलमस्तु निभद्रात्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले बन्धतो दम्मो मंगलम चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवले बन्धतो दम्मो लोगुत्तमा चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिबन्धतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मानां जयनं जयति शासनं धर्मलाभ।